नमस्कार, आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली बिल्कुल एकदम यहाँ बिल्कुल एकदम जो है सूर्य की उंगली के साथ चिपक करके जब उंगली चले तो ये ज्ञान के बैलेंस को रखती है, यानी कि समय पर अति उत्तेजिता के साथ ना निर्णय लेना इस बात को, और साथ ही साथ सोच समझकर कदम उठाना, बुद्धि की अच्छी शैली, अपनी वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करना, अच्छी याददाश्त, और तो गुणों से संबंधित ये उंगली आपकी अनुकूल अवस्था में मिली है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई क्रॉस वाले चिन्ह भी नहीं है, तो अच्छी खासी उंगली है। थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि सूर्य के कट तक नहीं पहुँची है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लगभग मैं समझता हूँ पहुँची गई है। आइए बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और अनुकूलता के साथ में यश प्राप्ति करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी ये सूर्य की उंगली एकदम सीधी खड़ी होनी चाहिए, और यहाँ ये सीधी खड़ी हुई है, यानी जब इस तरीके की उंगली होती है तो वो इस बात को बताती है कि व्यक्ति अपने जो टारगेट है उसके प्रति बिल्कुल किसी के बहकाने से हटता नहीं है, और उसके प्रति उसकी एक जिद होती है कि मैं इसे पा करके रहूँगा, और वो व्यक्ति पाकर भी रहता है। इसका कारण बताता हूँ आपको। कारण है, बृहस्पति की उंगली से जब सूर्य की उंगली की लंबाई ज़्यादा होती है तो जीवन के उत्तरार्ध, आज भी आपका मान लिया जो जैसा भी हो तो पढ़ूंगा मैं हाथ की रेखा से, आज जो है इससे भी बहुत अच्छा अनुकूल समय आपके जीवन में आने वाला है, यश और सम्मान आने वाला है, इस प्रकार को उंगली दर्शा रही है। आइए बात करता हूँ यहाँ शनि की उंगली की। हल्का सा टर्न लेकर के शनि की उंगली का चलना जरूरी होता है। यहाँ साथ के साथ सूर्य की उंगली से मिल गए हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं, भाई बहन भाइयों को साथ लेकर के चलते हैं। हल्का सा जब टर्न लेकर के चलती है तो व्यक्ति दंड देने में भी जरा देर नहीं लगाता, यानी कुल मिलाकर के यदि उसको ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ में कुछ गलत करने वाला है तो उसे वो सजा भी दे देता है। साथ ही साथ संघर्ष से, मेहनत से भी, तपती धूप में ऐसा आदमी एसी का आदि होने के बाद भी धूप में चलने का आदि भी होता है, ये इसकी खूबी होती है। अब बात करता हूँ यहाँ बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली एकदम सामान्य रूप से सीधी खड़ी हो गई। अच्छे अधिकारी बनने के लिए, अच्छे योग बनाने के लिए एक जो सुंदर उंगली होती है वो आपके पास में है। ऐसा व्यक्ति अच्छी खासी पूजा करता है, अच्छा खासा दान पुण्य करता है, अच्छी खासी तीर्थ यात्राएं करता है, तो कुल मिलाकर के छोटे बड़े सभी लोगों को साथ लेकर के चलने वाली इस बृहस्पति की उंगली के अंदर गुण विराजमान हैं। आइए बात करेंगे इसके बाद हम आपके पर्व की, इसको बोलते हैं बुद्ध पर्वत। बुद्ध पर्वत और बुद्ध पर्वत पर बहुत आवश्यक है ये तीन रेखाएं खड़ा होना। तीन से चार रेखाएं यदि व्यक्ति के हाथ के अंदर खड़ी होती हैं, व्यक्ति के पास जीवन के धन के, जीवन भर धन के आगमन बने रहते हैं, साथ ही साथ वैसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर संतान सुख भी प्राप्त करता है। अब मैं बात करूँगा आपके सूर्य के पर्वत की। सूर्य पर्वत और इस पर बना आप ये देखिए एक तरह का ये धनुष में निकलने वाले दो बाण, यानी कुल मिलाकर यहाँ धनुष आकृति के संदर्भ बनी हुई ये रेखाएं यश के लिए, सम्मान के लिए, यदि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर युवा अवस्था में यदि वो राज्य सरकार से संबंधित टेंडर्स लेना चाहे, सरकारी उपक्रम के टेंडर्स लेना चाहे, सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करे, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उन्नति प्राप्त करता है। तो ये बहुत अच्छा ट्रायंगल आपके पास है। इससे सिर्फ मैं एक ही बात अभी तक बता सकता हूँ। आपने कहा कि क्या विधायक सांसद योग कब तक, तो कब तक के लिए मैं बाद में बताऊँगा, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ ये योग आपके हाथ के अंदर है कि आप किसी भी बड़ी पोस्ट को ले सकते हैं। कई बार मैंने देखा ऐसा व्यक्ति MLC भी बन जाता है, और कई बार मैंने देखा नगर का अध्यक्ष भी बन जाता है, और कई बार मैंने देखा है तो वो केवल मेंबर भर बनकर भी रह जाता है। तो कुल मिलाकर के जो उसको राजनीतिक कार्यों से क्षेत्रीय में उन्नति और उसका नाम यश की बात है, वो यहाँ पर पूर्ण रूप से ये चिन्ह मुझको प्राप्त हो गया। आइए बात करूँगा धन के पर्व की। धन का पर्व और शनि का पर्व, धन का पर्व शनि का पर्व, यहाँ पर अनुकूल रेखाएँ, ये 55 वर्ष के बाद दो ही रेखा इतनी होती हैं कि जीवन में बुढ़ापे तक को सुरक्षित कर देती हैं। आपके पास चार हैं, इसका मतलब आप कम से कम मैं समझता हूँ 55 साल की उम्र के बाद में करोड़ों से अरबों तक भी जा सकते हैं। आइए बृहस्पति पर्वत चलते हैं। बृहस्पति का पुर छोटा सा यहाँ पर मुझको कोई एक्स का चिन्ह भी लगता है देखने में, और साथ ही साथ अपने आप में पर्वत भी अनुकूल है। जब नीचे ट्रायंगल बन जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर निश्चित रूप से एक बेहतरीन मकान बना पाता है,
कई बार देखने में आता है, जब ऊपर भी एक्स का चिन्ह लग जाता है तो दो से तीन संपत्ति का योग भी व्यक्ति के हाथ में बनता हुआ मैंने पाया है। चलिए अब मैं चलूँगा इसके आगे आपको सीधा सीधा हृदय रेखा पर। अगर मैं आपकी हृदय रेखा को पढ़ता हूँ तो हृदय रेखा से एक रेखा जाकर के यहाँ ऊपर की तरफ बृहस्पति पर्व को देखती है और एक मध्यम पर्व को देखती है। तो वहाँ कुल मिलाकर जो दूसरा व्यवहारिक पर्व उसको देखना, अपने व्यवहार के द्वारा दूर के लोगों से संबंध करके जो हृदय रेखा में गुण होना चाहिए वो आपके अंदर मौजूद है। अभी हृदय रेखा में कोई किसी भी बड़ी बीमारी के संकेत भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आइए एक बहुत शानदार रेखा की बात कर लेता हूँ। ये रेखा देखिए आपके पास में यहाँ मंगल पर्व से निकल करके इस रेखा का संबंध बन गया सूर्य पर्व से, यानी के दिमाग की योजनाओं से जो MP MLA विदेश से धन कमाने वाली रेखाएं या अधिकारी बनने वाली रेखाएं जिन्हों मैंने हाथों में देखी है, जो IAS PCS बन जाते हैं, वो चिन्ह यहाँ होता है। परंतु इसमें थोड़ी सी खराबी भी है, वो पत्नी के साथ में व्यक्ति की उनकी थोड़ी सी खटाव भरे संबंध भी रहते हैं। चलिए अब बात करूँगा यहाँ पर साहसिक रेखाओं के बारे में। मंगल से निकलने वाली साहसिक रेखाएं, और यहाँ पर ये मंगल से निकल करके आपके शनि पर्व को जाती हैं, कुछ धन पर्व को जाती हैं, कुल मिलाकर के नीचे वाली मंगल रेखा बुध पर्वत तक भी जाती है। यानी कि आप यश भी कमाएंगे मेहनत से, धन भी कमाएंगे, सम्मान भी कमाएंगे, इस प्रकार की रेखा यहाँ पर मौजूद है। अब मैं बात करूँगा आपके दूसरे मंगल की। दूसरा मंगल, और यहाँ पर तो कोई किसी प्रकार की रेखा चमक नहीं रही। इधर देख लेते हैं, यहाँ पर भी कोई रेखा नहीं चमक रही। इधर देख लेते हैं, यहाँ खड़ी हुई रेखाएं चमक रही हैं। यानी कि यहाँ ये जो खड़ी हुई रेखा है ये बहुत अनुकूल रेखाएं हैं। ये क्या रेखाएं? अगर ये आड़ी आड़ी होती बहुत सारी तो यहाँ ऐसी इस तरीके से आड़ी आड़ी होती तो आप मुकदमों में हार जाते। तो आपने पूछा क्या न्यायालय जमीनी विवाद संबंधी मंगल रेखा है जो राजनीति के लिए, राज्य सरकार से लाभ के लिए, मुकदमों में जीत के लिए जो चिन्ह चाहिए वो वर्तमान में आपके हाथ पर यहाँ मंगल पर्वत पर खड़े हैं। अगर चल भी रहे हैं जमीनी विवाद तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। अब बात आ गई यहाँ पर, आपके आगे चलता हूँ और द्वितीय मंगल के बाद चंद्र पर्वत को इन्वॉल्वमेंट कर लेता हूँ। नीचे देखिए चंद्र पर्वत, और यहाँ पर तो दिखाई नहीं थी, दूसरे पर्व पर देखता हूँ कुछ हल्की हल्की रेखाएँ हैं देखने में लगती हैं, तो यहाँ छोटी मोटी रेखाएँ हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखता हूँ तो कई बहुत बड़े टेंशन के योग यहाँ पर मुझे नहीं, यात्राओं की रेखाएँ की पड़ी हैं, भाग दौड़ चलती रहती है। तो चलिए यहाँ भी शुभ चिन्ह नहीं मिले, कोई अशुभ चिन्ह नहीं मिला। शुक्र पर्व से निकल करके इस रेखा का जाना व्यापारिक रेखा के साथ मिल जाना, यानी कि कहीं ना कहीं पत्नी के नाम से यदि आप जमीन लें तो लाभ, पत्नी को अपने व्यापार में शामिल करें तो लाभ, ससुराल से लाभ, और सीधी सीधी बात है कि व्यापार से लाभ। कुल मिलाकर के यदि ये रेखाएं देखें तो वो अपने आप में व्यापारिक गुणों को भी दर्शाती हैं। तो कुल मिलाकर ये व्यापारिक गुणों को दर्शाने वाली अच्छी रेखा शुक्र पर्व का इन्वॉल्वमेंट दिखला रही हैं। आगे मैं और सवालों को दूंगा, अभी मैं बता रहा हूँ इतना। आइए भाग्य रेखा को देख लेते हैं। ये भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा अनुकूलता के साथ में, यानी जो भी आप आज कार्य करें, एक बात तो ध्यान रखिए कि जो काम आज की तारीख में आप कर रहे हैं उस काम को मत छोड़िए, वो आपका आजीवन चलने वाला काम है, एक बात। दूसरी बात, अब मैं थोड़ा पढ़ लूँ पहले बुद्धि रेखा को। देखिए बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखाओं पर यदि कुछ देखता हूँ तो थोड़े से एक्स के बाद में छोटे 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 यहाँ कट के, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ रेखाएँ एक दूसरे को काटती हुई ऊपर की तरफ भी कुछ रेखाएँ काट रही हैं। यानी व्यक्ति पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बड़ा लोन यहाँ है, इस बात को दिखलाने वाला बिंदु भी यहाँ पर मौजूद मिला। तो मस्तिष्क रेखा है, अपने आप में योजनाएँ अच्छी हैं इसके अंदर, इसमें भी कोई मुझे बुराई वाली बात नज़र नहीं आई। चलिए ये सब हो गया, और ये बेहतरीन ट्रायंगल आपके पास था, इस ट्रायंगल से जुड़ करके आपकी भाग्य रेखा चलती है। इसको बोलते हैं जो त्रिभुज से निकल कर भाग्य रेखा निकले वो, यानी कि योजनाओं के द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करना। चलिए ये भी आपका हो गया। अब चलता हूँ आपके सवालों पर एक एक करके। नंबर एक,
विधायक या सांसद योग कब तक? विधायक या सांसद या जैसा भी मैंने कहा प्रतिनिधि जो कुछ भी है वो बनने के योग है। कब तक के लिए बता देता हूँ। इसके लिए आपको अपनी सूर्य उंगली पर देखना, सूर्य के नाखून पर देखना पड़ेगा कि किस समय कोई सफ़ेद चिन्ह आपके हाथ में बने, यानी कि नाखून पर कोई सफ़ेद चिन्ह यदि बनता है तो व्यक्ति के हाथ पर वो सफ़ेद चिन्ह या फिर बृहस्पति की उंगली के नाखून पर बने तो वो 9 महीने के अंदर व्यक्ति को विधायक MLA या कोई भी इलेक्शन उस समय लड़ रहा हो तो उसमें विजय प्राप्ति के लिए होता है। नंबर दो, आपकी दसों के दसों नाखूनों के ऊपर यदि चंद्रमा बना हुआ है तो वो भी आपको विजय का उद्घोषक होता है, वो लंबे समय तक चलता है। यदि दसों उंगलियों पर चंद्रमा बन गया है तो आप कहीं पर भी हाथ डाल दीजिए, वहीं से आपको विजय प्राप्त होगी। तो वो देखना पड़ेगा कब तक आपको अपने अपने नाखूनों पर। भाग्य उदय कब? आप कहते हैं आपकी 48 की एज है, ये राहु पर्वत है आपका, और राहु पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो लगभग लगभग ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल आपके जीवन में 54वें वर्ष से ये लॉटरी योग का काम कर रहा है। जीवन में मैं कह सकता हूँ 54वें वर्ष में आपका यहाँ बहुत बड़ा उदय हो सकता है। यही वो वर्ष हो जब आप MLA MSC का इलेक्शन लड़ेंगे और आप जीत जाएंगे। तो ये एक लॉटरी योग है, इसको आप जरूर कैश करेंगे, वो अपने आप चल करके आपके पास आएगा। तो ये आपके लिए मैंने बताया। तो भाग्य उदय की बात करते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए भाग्य उदय का क्या प्रेरणा, क्या आपका मानक है तो मुझे पता नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई कमी अभी भी है। तो विशेष भाग्य उदय की बात कर रहा हूँ तो बता दिया मैंने आपको, वो 54 वर्ष के बाद, फिर तो बहुत पैसा होगा उसके बाद। तो राजनीतिक रूप से आपकी स्थिति बिल्कुल, आप हटिए मत ना, अगर हटने वाली रेखा होती तो मैं कह देता राजनीति छोड़ दीजिए। तो राजनीतिक रूप से आपकी स्थिति ठीक रहेगी आपके जीवन में। तो चलिए ये तो आपको बता दिया। न्यायालय जमीनी विवाद से मैं आपको जीत होने वाली है। आइए अब स्वास्थ्य की, ये कौन और कौन से व्यवसाय, पहले बात कर लेता हूँ मैं कौन सा व्यवसाय। देखिए चंद्र पर्वत बहुत अनुकूल था, आप कोई भी पेट्रोल पंप, आप कोई भी गैस एजेंसी, आप कोई भी दूध का काम या दूध की एजेंसी, कोई भी पानी का काम, यहाँ इस तरह के, यहाँ चंद्र पर्वत जब अनुकूल होता है व्यक्ति को उसमें अच्छी खासी लाभ मिलती है। साथ ही साथ एक यहाँ पर ट्रायंगल बनकर के, यहाँ एक ट्रायंगल बन के जमीन विवाद की तरफ देखता है तो यहाँ जमीन से, प्रॉपर्टी डीलिंग से, बदरपुर से, रोड़ी से, सीमेंट से, इस तरह के कार्यों से भी लाभ मिलने के संकेत हैं। तो चलिए ये मैंने आपको बता दिया, आपके काम ये भी अच्छे खासे बनते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उसे मत छोड़िए, वो तो चलता ही रहेगा आपका, उसमें अच्छा खासा लाभ आपको मिलने वाला है। तो एक पूछा आपने स्वास्थ्य के बारे में, आइए मैं देख लेता हूँ आपकी आयु रेखा को, आयु रेखा, और यहाँ पर आपकी आयु पर रेखा पर जब मैं चल रहा हूँ और जिस उम्र पर आप पहुँचने की बात पहुँचे हैं, और ये उम्र है आपकी 48 वर्ष की, तो 48 वर्ष पर यदि मैं देखता हूँ तो मुझे कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसा चिन्ह नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से मैं कहूँ कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है, ऐसी रेखा मुझको यहाँ पर कहीं भी नज़र आ रही। मंगल रेखा आपके पास में 50 वर्ष तक तो हर मुसीबत से निकालने वाली मंगल रेखा भी मौजूद रह गई। आयु रेखा की बात करता हूँ, आयु रेखा भी आपके पास 74-75 वर्ष की तो अभी है और आगे भी बढ़ेगी, तो आयु रेखा भी यहाँ ठीक है। आइए बात देखता हूँ थोड़ा सा केतु को। देखिए केतु पर एक एक्स का चिन्ह बना है, ये केतु पर यहाँ एक्स का चिन्ह, और थोड़ा सा शुक्र पर्वत से निकलने वाली ये रेखा, तो कुल मिलाकर थोड़ा सा ध्यान रखें, कुल मिलाकर कह सकते हैं चरित्र के प्रति सावधानी, या ऐसा कह सकते हैं कि सुख साधन की तरफ ज़्यादा आकर्षण होने से कुछ किसी भी प्रकार का थोड़ा सा किसी दिक्कत का सामना। सुख साधन से मतलब कभी कभी आदमी क्या करता है, कर्ज पे कर्ज ले लेता है, या कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा किसी ऐसी चीज़ में पड़ जाए जिसकी वजह से कि भाई मैं तो इस चीज़ को ले लूँ तो मुफ्त में मिल रही है, और बाद में वो किसी भी प्रकार का नुकसान देती है। शुक्र पर्वत पूरा देखता हूँ तो कुल मिलाकर सामान्य शुक्र पर्वत यहाँ पर आपके पास मौजूद भी है। संतान रेखाओं की बात करता हूँ, निश्चित रूप से आपके हाथ से तो 2 संतान रेखाएँ भी यहाँ चमकती है। तो आपकी सारी रेखाओं को, सारे पर्वतों को, सबको मैंने पढ़ा, राहु केतु, चंद्र पर्वत, मंगल पर्वत, प्रथम मंगल, सभी रेखाएं मैंने आपकी पढ़ दी हैं और सभी सवालों का मैंने आपको जवाब भी दे दिया है। अब मैं ये चाहूँगा
कि आप निश्चित रूप से अपने जीवन में विधायक सांसद बने, तो आज से ही अपनी पूजा में आदित्य हृदय स्रोत जोड़ लीजिए। आदित्य हृदय स्रोत आज से ही पक्का कर लीजिए, उसको रोजाना अपनी पूजा में जोड़ लीजिए जो है लगातार, और कुल मिलाकर के जो अपने व्यवसाय के लिए आप व्यवसाय में की दुकान पर बैठकर श्री सूक्तम पुरुषोत्तम का पाठ भी करें, बस जीवन में तरक्की करें। बेहतरीन सा अगर आप रत्न पहनना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पर आपको पुखराज, तो यहाँ बेहतरीन सा पुखराज आपको पहनना श्रीलंकन, आप चाहें तो स्वयं खरीद सकते हैं या हम भी आपको सैंपल दिखाकर पहुँचा सकते हैं। नमस्कार।